अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक हम मुनव्वर फारूकी के बारे में जानते हैं, वो एक कॉमेडियन और रैपर हैं। मुनव्वर फारूकी हमेशा सच और हक बोलते नज़र आते हैं और इस्लाम की बातें अक्सर उनकी ज़ुबान पर रहती हैं। जितने लोग कमा सको ना, वो लोग कमाओ कि जब तुम मरो ना, जिस मस्जिद में तुम नमाज पढ़ने जाते हो ना, उस मस्जिद में पता चले ना कि ये आज नमाज पढ़ने नहीं आया, तो मस्जिद में जो 400 लोग नमाज पढ़ने आए ना, वो नमाज के बाद तुम्हारे को कांधा देने के लिए आए। तुम्हारे जनाजे में इतनी भीड़ होनी चाहिए ना कि तब पता चलना चाहिए लोगों को कि इसने क्या कमाया। मुनव्वर फारूकी ने अब तक 2 से 3 रियलिटी शोज में काम किया, जिसमें वो हमेशा से ही दीन की बातें करते नजर आते हैं। प्रॉब्लम यही है ना, तुम तुम्हारे एतराफ में जो लोग हैं, वो तुम्हारे यसमैन है या तुम्हारे चाहने वाले, वो हजरत अली तौर पे समझ में आएगा। हजरत अली की एक हदीस है, उसमें वो कहते हैं कि तेरे सच्चे दोस्त वही है जो तेरे मुंह पे तेरी बुराई कर रहा है। सच्ची। मुनव्वर फारूकी को कई रियलिटी शोज में नमाज पढ़ते देखा गया। हाल ही में बिग बॉस में भी मुनव्वर फारूकी ने नमाज अदा की। अल्लाह सुबहाना व ताला से दुआ है कि अल्लाह इन्हें दीन पर चलने वाला बनाए और इन्हें तकवा और हिदायत की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।